अवलोकन के प्रमुख प्रकार टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अवलोकन के प्रमुख प्रकारों में सबसे पहला है व्यक्तिगत अवलोकन और दूसरा है सामूहिक अवलोकन। तो व्यक्तिगत अवलोकन है उसको तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, पूर्ण सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। और दूसरा है सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन है वो भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, व्यक्तिगत अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। ये व्यक्तिगत अवलोकन अनियंत्रित भी हो सकता है और नियंत्रित भी हो सकता है। इसको दो भागों में विभाजित करके इनके अनियंत्रित अवलोकन के दो प्रकार हो सकते हैं, पूर्ण सहभागी और अर्ध सहभागी, और नियंत्रित के असहभागी। अब हम चर्चा करते हैं व्यक्तिगत अवलोकन। तो व्यक्तिगत अवलोकन के दो प्रकार हैं, व्यक्तिगत एवं सामूहिक अवलोकन। तो व्यक्तिगत अवलोकन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, अनियंत्रित अवलोकन जिसमें अवलोकनकर्ता बिना किसी नियंत्रण के घटनाओं का अवलोकन करता है, और अनियंत्रित अवलोकन के पुनः तीन प्रकार हैं, पूर्ण सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन जिसमें अवलोकनकर्ता घटनाओं में स्वयं सम्मिलित होता है, अर्ध सहभागी अवलोकन इसमें आंशिक रूप से ही अवलोकनकर्ता भागीदार होता है, और असहभागी अवलोकन इसमें अवलोकनकर्ता घटनाओं में भागीदार नहीं होता अपितु दूर दूर से ही अवलोकन करता है। तो व्यक्तिगत अवलोकन के प्रथम प्रकार में अवलोकन अनियंत्रित अवलोकन जिसको कहते हैं, अनियंत्रित अवलोकन है वो यह व्यक्तिगत अवलोकन का ही एक प्रकार है जिसमें अवलोकनकर्ता व्यक्तिगत स्तर पर किसी विशेष घटनाक्रम का अध्ययन करता है। अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं रहता, वह घटनाओं का स्वाभाविक एवं वास्तविक रूप से अध्ययन करता है। इस अवलोकन में किसी प्रकार का बंधन एवं औपचारिकता का ध्यान अवलोकनकर्ता को नहीं रखना होता। इसमें किसी प्रकार के संशय नियोजन की निश्चितता निश्चित नहीं किया जा सकता। इन विशेषताओं के अनुरूप वैज्ञानिकों ने इस अवलोकन के निम्न नाम भी रखे हैं, जहोदा एवं कुक एवं साथियों ने इसे असंरचित अवलोकन नाम दिया है, तो गुडे और हेट ने इसकी साधारण क्रिया के कारण इसे साधारण अवलोकन कहा है। पीवी यंग ने इसको स्पष्ट करते हुए बताया कि अनियंत्रित अवलोकनों में हमें वास्तविक जीवन परिस्थितियों की सूक्ष्म परीक्षा करनी होती है, जिसमें यथार्थता के यंत्रों के प्रयोग का अथवा अलौकिक घटना की शुद्धता की जांच का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। गुडे और हर्ट के अनुसार इन अनियंत्रित अवलोकनों का प्रचलन अत्यधिक हो रहा है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तियों के पास सामाजिक संबंध के विषय में उपलब्ध अधिकांश ज्ञान अनियंत्रित अवलोकन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह अवलोकन सामाजिक घटनाओं को ज्यों का त्यों देखने का प्रयास करता है। आधुनिक समय में सामग्री संकलन में यह प्रमुख पद्धति के रूप में मान्य है या स्वीकृत है। अनियंत्रित अवलोकन के प्रमुख तीन प्रकार हैं, पूर्ण सहभागी, अर्ध सहभागी और असहभागी। पूर्ण सहभागी अवलोकन यह है अनियंत्रित अवलोकन का प्रमुख प्रकार है, जिसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का ही एक अंग बनकर उसके प्रत्येक व्यवहार में सक्रिय भाग लेता है। सहभागी अवलोकन का प्रयोग सर्वप्रथम लिंडमैन ने 1924 में अपने पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था। उन्होंने लिखा है, सहभागी अवलोकन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी घटना का निर्वचन तभी शुद्ध हो सकता है जब यह बाह्य तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हो। इस प्रकार घटना में भाग लेने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण जिसमें कुछ इच्छा अथवा कोई स्वार्थ निहित है तथा उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जो केवल दृष्टा के रूप में रहा है, दोनों में भिन्नता होगी। पीवीएम के अनुसार सामान्यतया अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता उस समय के जीवन में ही रहता है तथा भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। तो यह इसकी सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता के लिए आवश्यक नहीं है कि वह स्वयं भी वहाँ की समस्त क्रियाओं में भाग ले, बल्कि वह कोई ऐसी क्रिया का चयन कर सकता है जिसमें समूह के व्यवहारों में भी व्यवधान न पड़े और उसका उद्देश्य भी पूर्ण होता रहे। अवलोकनकर्ता को चाहिए कि वह समूह के साथ घुल मिल जाए, जिससे समूह के लोगों की मनोवृत्तियों से किसी प्रकार की दूरी न रहे, अर्थात समूह के अंतर्गत उसका पूर्णतया एक भाग हो जाए। अब है पूर्ण सहभागी अवलोकन के गुण। गुण में आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष अध्ययन,
पूर्ण सहभागी अवलोकन में सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में सहभागी अवलोकन ही एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता सामाजिक व्यवहारों, गतिविधियों आदि का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है। अवलोकनकर्ता समुदाय का या समूह का सदस्य बनकर उनके क्रियाकलापों, व्यवहारों, सामाजिक प्रक्रियाओं, संस्कृति, धर्म, उत्सव, समाज आदि का अध्ययन करता है। इसलिए सामग्री का संकलन प्राथमिक स्रोतों के से प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यह अधिक फिर सरल अध्ययन सहभागी अवलोकन में अपेक्षा अधिक सरलता से अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता अपने अवलोकित समूह से प्रत्यक्ष से संबंधित होता है। स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन, अवलोकनकर्ता अपने समूह का अभिन्न साथी बन जाता है, अतः उस समूह की गतिविधियों का स्वाभाविक रूप से अध्ययन कर लेता है। इसके विपरीत यदि किसी समूह को यह पता लग जाए कि उसकी गतिविधियों को कोई देख रहा है तो उनके व्यवहार कृत्रिम हो जाते हैं। इस दृष्टि से यह विधि स्वाभाविक व्यवहारों को ही देखती है। फिर सूक्ष्म अध्ययन सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले वर्ग के अत्यधिक संपर्क में रहता है, इस कारण वह संबंधित समूह के व्यवहारों का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन कर सकता है। विस्तृत सूचनाएं सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता की उपस्थिति उससे समूह के विभिन्न व्यवहारों, पारस्परिक संबंधों, रीति रिवाजों आदि के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान करती है। किसी समाज में क्या परंपरा है, ऐसा क्यों है आदि प्रश्न बाहरी दृष्टा के लिए अनुत्तरित हो सकते हैं, किंतु सहभागी अवलोकनकर्ता को जीवन की विभिन्न घटनाओं व तथ्यों को देखने का अवसर प्राप्त होने के कारण उसके लिए इन सभी का ज्ञान विस्तार से सही रूप में हो जाता है। इस कारण जहौदा एवं कुक का कहना है कि सक्रिय सहभागिता उन सूचनाओं के द्वार खोलती है जो अन्यथा बंद ही रह सकते थे। अधिक विश्वसनीयता, इस विधि से संग्रहित सूचनाएं अधिक सही व विश्वसनीय होती हैं, क्योंकि इन सूचनाओं के संकलन में अध्ययनकर्ता की स्वयं की भागीदारी होती है। संदेह की स्थिति उपस्थित होने पर इनका पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है, इसलिए इस विधि में विश्वसनीयता अन्य विधियों की तुलना में अधिक होती है। कुशलता में विकास, जब अवलोकनकर्ता अध्ययन के क्षेत्र में एक लंबे समय तक पूर्ण सहभागी बनकर समूह का या समुदाय का अध्ययन करता है तो उनकी सामाजिक गतिविधियों, क्रियाओं, व्यवहारों में भाग लेता है, तो इससे अवलोकनकर्ता को अध्ययन क्षेत्र का काफ़ी ज्ञान एवं अनुभव हो जाता है। उसमें प्रत्येक परिस्थिति को देखने, समझने और अवलोकन करने की कुशलता में विकास हो जाता है। इस समस्या का गहराई से अध्ययन करने लग जाता है। इसके पश्चात है असहभागी अवलोकन, जब अनुसंधानकर्ता तटस्थ भाव से समूह के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, अर्थात अनुसंधानकर्ता अवलोकित समूह के मध्य उपस्थित रहते हुए भी उसके क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता है तो उसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। वह अध्ययन समूह का अध्ययन समूह का सदस्य नहीं होता, केवल अपरिचित दर्शक मात्र रहता है, इस कारण आंतरिक संबंधों की जानकारी उसे नहीं होती।